Hello students, I hope you all are safe at your home. Today once again we are going to read English of class 7th unit 10 and the topic is the story of cricket part 2. So student, this is part 2 of the story of cricket. Aaj hum dusra part dekhenge, the story of cricket lesson ka. So students, in the previous video we had learned about how the cricket originate from the village and the rural area of England. Okay, so हमने starting से जो है अभी तक ये देखा कि cricket 500 years ago England में establish हुआ था और उस समय bat और ball काफी different थे. bowling कराने का तरीका अलग था, underarm bowling कराई जाती थी, ठीक है. लेकिन धीरे धीरे समय के साथ साथ सब कुछ चेंज होता गया. ओके, एंड टुडे वी आर गोइंग टू रीड द सेकंड पार्ट ऑफ द स्टोरी. सो लेट्स स्टार्ट. द ओरिजिन्स ऑफ इंडियन क्रिकेट आर टू बी फाउंड इन बॉम्बे एंड द फर्स्ट इंडियन कम्युनिटी टू स्टार्ट प्लेइंग द गेम वाज द स्मॉल कम्युनिटी ऑफ ज़ोरास्ट्रियन द पारसी. सो इंग्लैंड में तो 500 इयर्स अगो ही जो है क्रिकेट स्टार्ट हो चुका था गांव में, लेकिन ये इंडिया में कैसे आया, ठीक है. सो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि इंडिया जो है अंग्रेजों का गुलाम रहा. ओके, हम जो है इंडियन जो है कुछ समय पहले ही, आज़ादी से पहले बिफोर 1947 हम लोग अंग्रेजों के अधीन रहा करते थे. तो जो क्रिकेट था वो किसका गेम था, वो अंग्रेजों का ही खेल था. तो जहां जहां भी अंग्रेजों ने अपनी कॉलोनीज बसाई, यानी कि जितने देशों को उन्होंने अपना गुलाम बनाया लाइक इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज, तो वहां वहां जो है क्रिकेट उन्होंने खेला. जहां जहां अंग्रेज गए तो वहां वहां उन्होंने क्रिकेट खेला और वहीं उन्हीं क्षेत्रों में जो है उसी एरिया में जो क्रिकेट है वो डेवलप हो पाया. ओके, तो जो इंडिया में जिन लोगों ने सबसे पहले क्रिकेट खेला वो थे ज़ोरास्ट्रियन या फिर पारसी. सो ये पारसी कौन थे? सो स्टूडेंट्स, पारसी जो है इंडियन नहीं थे उस टाइम. बहुत समय पहले ईरान में पारसी लोग रहते थे, लेकिन वहां पे कुछ समय के बाद जब मुस्लिम धर्म आया, ठीक है, जब वहां पे मुस्लिम धर्म आया तो वहां से कुछ जो पारसीज थे वो वहां से भाग गए. तो अलग अलग दुनिया के अलग अलग जगहों में जाके वो बस गए. तो वैसे ही कुछ पारसीज जो है इंडिया भी आए और वो यहाँ के बस गए. सो जो हम अभी देखते हैं, जो टाटा है, जो बड़े बड़े यानी कि जो बिजनेसमैन हैं, तो वो लोग सारे के सारे क्या हैं, जैसे ये अंबानी हैं या फिर टाटा हैं, तो ये सारे के सारे पारसी फैमिलीज से बिलोंग करते हैं. सो इंडिया में जिन लोगों ने सबसे पहले क्रिकेट खेला वो थे ज़ोरास्ट्रियन द पारसी. अब पारसियों ने क्यों खेला, इंडियन लोगों ने क्यों नहीं खेला, इसका मेन कारण था ब्रॉट इनटू क्लोज कॉन्टैक्ट विद द ब्रिटिश बिकॉज ऑफ देयर इंटरेस्ट इन ट्रेड एंड द फर्स्ट इंडियन कम्युनिटी टू वेस्टर्नाइज द पारसी फाउंडेड द फर्स्ट इंडियन क्रिकेट क्लब. अब वो इसलिए उन्होंने पहले क्रिकेट खेला बिकॉज वो लोग व्यापारी थे, ठीक है. वो लोग क्या करते थे, व्यापार करते थे. तो अपने व्यापार के कारण, बिकॉज ऑफ देयर इंटरेस्ट इन ट्रेड, वो क्या हुए, अंग्रेजों के कॉन्टेक्ट में आए और उन्होंने वहां से क्रिकेट खेलना शुरू किया. और पारसीज ही पहली ऐसी कम्युनिटी थी जो कि वेस्टर्नाइज हुई, यानी कि पश्चिमी जो उनका पहनावा है, यानी कि अंग्रेजों के इफेक्ट में ज्यादा आई. ओके, एंड पारसीज ने ही इंडिया के फर्स्ट जो क्रिकेट क्लब था उसकी स्थापना भी की, जिसका नाम था ओरिएंटल क्रिकेट क्लब, जो कि हम यहाँ पे देख रहे हैं इन बॉम्बे. सो अगर आपसे पूछा जाए कि क्रिकेट सबसे पहले कहाँ खेला गया इंडिया में, तो क्रिकेट सबसे पहले बॉम्बे में खेला गया और पारसीज के द्वारा खेला गया. एंड उन्होंने ही ओरिएंटल क्रिकेट क्लब, ये पहला इंडियन क्रिकेट क्लब था 1848 में, जिसको एस्टेब्लिश किया गया पारसीज के द्वारा. पारसी क्लब वर फंडेड एंड स्पॉन्सर्ड बाय पारसी बिजनेसमैन लाइक द टाटाज एंड द वाडियाज. अब जो पारसीज थे, अब किसी भी, जब हम कुछ भी क्लब खोलते हैं तो उसमें सबसे पहले पैसा लगाने की जरूरत होती है, तो उनके लिए स्पॉन्सर्स की जरूरत होती है.
तो उस उनमें स्पॉन्सर जिन्होंने पैसा लगाया वो भी कौन थे, पारसी ही थे, जैसे कि टाटा एंड वाडियाज, ये बड़े बड़े बिजनेसमैन थे तो इन्होंने ही उसमें पैसा लगाया। द वाइट क्रिकेट एलिट इन इंडिया ऑफर्ड नो हेल्प टू द इंथुएस्टिक पारसी। और जो टाटा और वाडियाज ने तो उनको स्पॉन्सर किया पारसी क्रिकेट क्लब को, ठीक है, ओरिएंटल क्रिकेट क्लब को, लेकिन इसके विपरीत जो वाइट क्रिकेट एलीट थे यानी कि अंग्रेज लोगों का जो क्रिकेट क्लब था, उन्होंने इंडियन जो पारसीज थे उनको बिल्कुल भी कोई हेल्प नहीं की, ठीक है। इंथुएस्टिक यानी कि उत्साही पारसी, जो बहुत ज्यादा उत्साही थे क्रिकेट खेलेंगे, लेकिन उन्हें कोई हेल्प नहीं मिली। इन फैक्ट देयर वर अ क्वेरल बिटवीन द बॉम्बे जिमखाना अ वाइटिश ओनली क्लब एंड पारसी क्रिकेटर्स ओवर द यूज ऑफ अ पब्लिक पार्क। अब जो अंग्रेज थे उनके क्लब का नाम था बॉम्बे जिमखाना, ठीक है, जो अंग्रेज थे उनके क्लब का नाम था बॉम्बे जिमखाना, एंड जो पारसी थे इंडियन थे उनके क्रिकेट क्लब का नाम था ओरिएंटल क्रिकेट क्लब। लेकिन इसकी जो ये एस्टेब्लिश हुआ 1848 में, और ये क्यों एस्टेब्लिश हुआ, बिकॉज जो अंग्रेज थे बॉम्बे जिमखाना और पारसी लोगों के बीच में झगड़ा हुआ। अब झगड़ा क्यों हुआ, एक पार्क के लिए। द पारसी कंप्लेन दैट द पार्क वॉज लेफ्ट अनफिट फॉर क्रिकेट बिकॉज द पोलो पोनीज ऑफ द बॉम्बे जिमखाना डग अप द सरफेस। अब पारसी जो इंडियन थे, पारसी लोग थे, उन्होंने कहा कि जो ये पार्क है जहां पे वो क्रिकेट खेलते थे वो जो है क्रिकेट के लिए अनफिट है, वहां क्रिकेट नहीं खेला जाता, बिकॉज जो अंग्रेज लोग थे बॉम्बे जिमखाना के, तो उन लोग वो लोग वहां पे पोलो मैच भी खेला करते थे, ठीक है। पोलो मैच होता है जिसमें कि घोड़े पे चढ़ करके गोल्फ के जैसे एक बॉल को मारना होता है, ठीक है। तो उनके द्वारा जो है उनके जो पोनीज थे उनके जो घोड़े थे वो जब वहां पे चलते थे तो जो पूरा मैदान था वो खुद जाता था, तो इस वजह से वो क्रिकेट के लिए एप्रोप्रिएट नहीं था, तो उन्होंने ये कंप्लेन की। बट हुआ क्या, व्हेन इट बिकेम क्लियर दैट द कॉलोनियल अथॉरिटीज वर प्रिजुडाइज इन फेवर ऑफ देयर वाइट कंपेट्रियट्स द पारसी बिल्ड देयर ओन जिमखाना टू प्ले क्रिकेट इन। अब क्या हुआ स्टूडेंट्स, जब उन्होंने कंप्लेन की तो जब ये जाहिर हो गया कि जो वो अथॉरिटीज थी बड़े बड़े जो उनके अधिकारी थे उन्होंने अपने ही लोगों की साइड ली यानी कि अंग्रेजों की साइड ली, तब जाकर के जो पारसीज थे उन्होंने सोचा कि अब हमें अपना अलग जिमखाना खोलना होगा, और तब जाकर के उन्होंने ओरिएंटल क्रिकेट क्लब इन बॉम्बे 1848 में उसकी स्थापना की। ओके, द राइवलरी बिटवीन द पारसीज एंड द बॉम्बे जिमखाना हैड अ हैप्पी एंडिंग। अब जो राइवलरी यानी कि जो उनकी दुश्मनी थी पारसीज और जो बॉम्बे जिमखाना के बीच में, अंग्रेजों और पारसीज के बीच में यानी कि इंडियन लोगों के बीच में, तो उसकी एक हैप्पी एंडिंग हुई, ठीक है। हैप्पी एंडिंग कैसे हुई, फॉर दीज पाइनियर्स ऑफ इंडियन क्रिकेट अ पारसी टीम बीट द बॉम्बे जिमखाना एट क्रिकेट इन 1889 जस्ट 4 years आफ्टर द फाउंडेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1885। सो क्या हुआ कि इस जो दुश्मनी थी इसकी एक अच्छी एक हैप्पी एंडिंग हुई, क्योंकि जो पारसीज थे उन्होंने बॉम्बे जिमखाना को एक मैच में हरा दिया, ठीक है। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको पिक्चर्स दी गई हैं। द पारसी टीम द फर्स्ट इंडियन क्रिकेट टीम टू टूर इंग्लैंड इन 1886। देख लीजिए ये इंडिया की सबसे पहली क्रिकेट टीम थी जो कि ओरिएंटल क्रिकेट क्लब से थी, और ये पहली बार सबसे पहले यही लोग जो है इंग्लैंड गए और वहां जाकर के उन्होंने बॉम्बे जिमखाना के जो क्रिकेटर्स थे उनको हरा दिया। एन ऑर्गेनाइजेशन दैट वॉज लकीली टू हैव अमंगस्ट इट्स अर्ली लीडर्स द ग्रेट पारसी स्टेटमैन एंड इंटेलेक्चुअल दादा भाई नरोजी। सो अब जो है जो इंडियन पारसी जो टीम थी उन्होंने जो है बॉम्बे जिमखाना को हरा दिया था, और ये कब हुआ, जब इंडिया में आजादी के लिए जो है आजादी के लिए लोग उत्सुक हो चुके थे और इंडिया ने अपनी एक नेशनल कांग्रेस की स्थापना कर चुके थे, वो था 1885 में। तो 1885 के सिर्फ 4 साल बाद ही इंडिया ने क्रिकेट जीत लिया, तो इसमें बहुत ही अच्छा था ये। और एक दूसरी अच्छी बात ये थी
कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उसमें भी एक पारसी इंटेलेक्चुअल एक अच्छे जो है स्टेटमेंट थे, जो कि काफी अच्छे नेता थे, उनका नाम था दादा भाई नरोजी। ठीक है, वो भी पारसी थे, तो पारसी लोगों ने ही क्रिकेट खेला और पारसी लोगों ने ही लोगों में से ही एक जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस में भी शामिल थे। मॉडर्न क्रिकेट इज डोमिनेटेड बाय टेस्ट एंड वनडे इंटरनेशनल प्लेड बिटवीन नेशनल टीम्स। अब जो मॉडर्न जो क्रिकेट है इसमें अधिकतर बोलबाला किसका है, टेस्ट, जो टेस्ट सीरीज चलती है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और जो वनडे गेम होते हैं वो बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट होते हैं। एंड ये खेले किसके बीच में जाते हैं, नेशनल टीम्स के बीच में। द प्लेयर्स हु बिकम फेमस हु लिव ऑन इन द मेमोरीज ऑफ क्रिकेट्स पब्लिक आर दोज हु हैव प्लेड फॉर देयर कंट्री। अब जो है कुछ ऐसे क्रिकेटर्स हैं जो आज भी लोगों के मन में छाए हुए हैं, उनको आज भी वो उनकी यादों में जिंदा हैं, जिन्होंने क्या किया, अपने देश के लिए खेला। ठीक है, द प्लेयर इंडियन फैंस रिमेम्बर इवन नाउ आर दोज हु वर फॉर्चुनेट इनफ टू प्ले टेस्ट क्रिकेट। अब आज भी जो है इंडिया के लोग उन लोगों को याद करते हैं जिन्होंने पहली बार इंडिया की तरफ से टेस्ट क्रिकेट खेला था, और उन्हीं में से एक हैं सीके नायडू, एन आउटस्टैंडिंग इंडियन बैट्समैन ऑफ हिज टाइम। सीके नायडू जो है एक बैट्समैन थे अपने टाइम के, और जो कि बहुत ही अच्छा खेला करते थे। लिव्स ऑन इन द पॉपुलर इमेजिनेशन व्हेन सम ऑफ हिज ग्रेट कंटेम्पररीज लाइक पलवंकर विट्ठल एंड पलवंकर बल्लू हैव बीन फॉरगॉटन। हालांकि उन्हीं के जो समकालीन थे, कंटेम्परेरीज यानी कि उन्हीं के साथ के, उन्हीं के समय के जो और क्रिकेटर्स थे जिनके नाम है पलवंकर विट्ठल एंड पलवंकर बल्लू, तो इनको जो है लोग भूल चुके हैं, लेकिन सीके नायडू को लोग आज भी याद करते हैं बिकॉज ऑफ उनके क्रिकेट करियर के कारण, क्योंकि उन्होंने पहला टेस्ट मैच खेला था। इवन दो नायडू वॉज पास्ट हिज क्रिकेटिंग प्राइम वेन ही प्लेड फॉर इंडिया इन इट्स फर्स्ट टेस्ट मैचेस अगेंस्ट इंग्लैंड स्टार्टिंग इन 1932, हिज प्लेस इन इंडियाज क्रिकेट हिस्ट्री इज अश्योर्ड बिकॉज ही वॉज द कंट्रीज फर्स्ट टेस्ट कैप्टन। अब जो है इंडिया, जो इंडिया के जो फर्स्ट टेस्ट कैप्टन भी जो है सी के नायडू थे। ठीक है, तो इस कारण से उन्होंने जो है एक तो इंडिया के लिए पहली बार उन्होंने जो है जो मैच थे, टेस्ट मैच थे वो खेले थे, जो कि 1932 में स्टार्ट हुए। ठीक है, इससे पहले जो मैच खेले जाते थे वो अलग थे, लेकिन इंडिया में जो पहली बार जो है टेस्ट मैच इन्वेंट हुआ तो वो सबसे पहले खेला पलवंकर, सॉरी सीके नायडू ने। ओके, और वो ही जो है फर्स्ट टेस्ट कैप्टन भी थे इंडिया के, सो इस वजह से उनको जो है काफी ज्यादा याद रखा जाता है। इंडिया एंटर द वर्ल्ड टेस्ट क्रिकेट इन 1932, अ डिकेड एंड अ हाफ बिफोर इट बिकेम एन इंडिपेंडेंट नेशन। अब इंडिया में जो है जो टेस्ट, जो इंडिया में क्रिकेट था, टेस्ट क्रिकेट था, वो पहले ही यानी कि हमारी आजादी से पहले ही खेला जा चुका था। अ डिकेड, डिकेड मतलब होता है 10 साल। ठीक है, जैसे कि 7 डेज से वीक बनता है और 30 या 31 डेज से मंथ बनते हैं, वैसी डिकेड यानी कि 10 साल, जब 10 साल को हम एक साथ बोलते हैं तो वो डिकेड होता है। अ डिकेड एंड अ हाफ, 10 साल और उसका आधा यानी कि 5, 10 और 5 यानी कि 15। सो जब इंडिया ने 1932 में क्रिकेट खेला तो उसी के 15 साल बाद यानी कि 1947 में इंडिया जो है एक इंडिपेंडेंट नेशन बन चुका था। ठीक है, एंड दिस वॉज पॉसिबल बिकॉज टेस्ट क्रिकेट फ्रॉम इट्स ओरिजिन इन 1877 वॉज ऑर्गेनाइज एज अ कॉन्टेस्ट बिटवीन डिफरेंट पार्ट ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर नॉट सब रीजन नेशन। सो इंडिया में जो है इंडिया की इंडिपेंडेंस से पहले ही क्रिकेट आ चुका था। इसका कारण ये है क्योंकि जो है टेस्ट क्रिकेट जो है उसके ओरिजिन जो इंडिया में है वो 1877 में ही हो चुका था, बिकॉज जहां जहां, अब यहां पे ये ध्यान दीजिए, वॉज ऑर्गेनाइज एज अ कॉन्टेस्ट बिटवीन डिफरेंट पार्ट ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर नॉट सब रीजन नेशन। सो क्रिकेट वहीं वहीं खेला गया जहां जहां अंग्रेजों का क्या था, कॉलोनीज
बेस थी, यानी कि जहां जहां अंग्रेज ने अपने गुलाम बना रखे थे देशों को, वहीं वहीं जो है जो क्रिकेट था वो खेला जाता था, वो भी उनमें जो है बहुत सारे कॉन्टेस्ट वहां पे होते थे बिटवीन डिफरेंट पार्ट ऑफ ब्रिटिश अम्पायर। अब ब्रिटिश कहाँ कहाँ थे, इंडिया में थे, ऑस्ट्रेलिया में थे, वेस्ट इंडीज में थे, तो वहां वहां जो है क्रिकेट जो है खेला जा चुका था, ना कि सॉवरिजन नेशन, यानी कि जहां पे ब्रिटिश नहीं गए थे वहां पे अभी तक क्रिकेट नहीं खेला जा चुका था। ठीक है, द फर्स्ट टेस्ट वॉज प्लेड बिटवीन इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। अब दुनिया का जो पहला इंडिया का पहला इंटरनेशनल मैच था, टेस्ट मैच, वो इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया के बीच में था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया भी इंग्लैंड का गुलाम था, तो वहां पे खेला गया था, तो जिसमें कि ऑस्ट्रेलिया वॉज स्टिल अ व्हाइट सेटलर कॉलोनी। तो ऑस्ट्रेलिया भी जो है व्हाइट सेटलर कॉलोनी, यानी कि अंग्रेज वहां पे क्या कर रहे थे, राज कर रहे थे। सिमिलरली द स्मॉल कंट्रीज ऑफ द कैरिबियन दैट टूगेदर मेड अप द वेस्ट इंडीज टीम वर ब्रिटिश कॉलोनी टिल वेल आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। और वहीं पे जो है क्या था, एक तो ऑस्ट्रेलिया में भी अंग्रेजों ने अपना वो किया था, अंग्रेज वहां पे गुलाम बना दिया था ऑस्ट्रेलिया के लोगों को, और साथ ही साथ जो कैरिबियन कंट्रीज थी जिसको कि हम वेस्ट इंडीज कहते हैं, वहां पे भी उन्होंने अपने गुलाम बनाए थे उन देशों को, तो वहां पे भी जो है क्रिकेट खेला जा चुका था, जो कि कहां था, जो कि ब्रिटिश कॉलोनी के अधीन थी जब तक कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ, तब तक, उसके बाद फिर वो लोग क्या हो गए थे, आजाद हो गए थे, जैसे कि इंडिया। ओके, सो स्टूडेंट, दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ अवर लेसन, द स्टोरी ऑफ क्रिकेट। वी विल रीड द थर्ड पार्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।